हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज एक्सरसाइज 10.1 के हम सवाल देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा क्या हमारे सवाल हैं। पहला सवाल देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो भाई, 30 डिग्री बोल रहा है ईस्ट, किससे? नॉर्थ से ईस्ट में जाना है। क्वेश्चन नंबर वन देखिए। सबसे पहले आप ये बना लीजिए, जो आप बहुत बार शायद कर भी चुके होंगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ हो गई, दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब हमें 40 किलोमीटर की दूरी दिखानी है, डिस्प्लेसमेंट दिखानी है, ठीक है, चेंज दिखाना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, भाई नॉर्थ के ईस्ट में जाना है, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट करके ईस्ट की तरफ जाना है, तो एंगल हम कहां बनाएंगे? ये वाला बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 30 डिग्री का, और 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हो गया पहला सवाल। बस इस वर्ड को बड़ा ध्यान से पकड़ना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है या साउथ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसके हिसाब से आप लोगों को चलना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर पहचानना है। पहला हमारे पास क्या है? देखो पहला सवाल हमारे पास है 10 किलोग्राम। अब आप खुद देखिए, 10 किलोग्राम में कहीं भी दूरी, कहीं भी हमें दिशा की बात कर रहा है, सिर्फ वजन की बात कर रहा है, मतलब दूरी की, मास की बात कर रहा है, मतलब ये हमारी सीधी सी बात है, स्केलर हो जाएगी। जहां पर दिशा आ जाएगी ना, वहां वेक्टर होता है। अगला क्या बोल रहा है? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब भाई नॉर्थ वेस्ट आ गया, मतलब दिशा की बात कर रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर होगा। 40 डिग्री, भाई डिग्री की बात हमें करी जा रही है ना, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिग्री में भाई कितना डिग्री बोल रहा है, सिर्फ डिग्री में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, सॉरी डिस्टेंस ही होती है, तो ये भी हमारा क्या होगा? स्केलर ही होगा। 40 वाट। अब देखो ध्यान से, वाट को आप समझिएगा, वाट क्या होता है ना, 40 वाट को हम अच्छे से करने वाले हैं, ये भी स्केलर होगा, क्योंकि वाट में भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड ही होता है। 5 का देखिए, 10^-19 कूलाम। अब ये भाई कूलाम यहां पर आ रहा है, ये भी स्केलर होगा, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास सेम वही चीजें हैं, सेम मैग्नीट्यूड है। अब देखो 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसमें ध्यान देना है हमें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मीटर पर सेकंड आ गया कि भाई इस मीटर के हिसाब से वो डायरेक्ट मूव कर रहा है, मूविंग आ गया ना यहाँ पे, तो जहां पर भी मूवमेंट आ जाता है ना, वो वेक्टर हो जाता है। तीसरा सवाल देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्केलर ही होता है। फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, इसका मतलब मूवमेंट आ रहा है, ये भी हमारा वेक्टर होगा। वर्क डन हमारे पास क्या होगा? स्केलर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? वर्क डन कर रहा है, कितना काम कर रहा है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चौथा सवाल, इन फिगर 10.6 स्क्वायर, अच्छा इस फिगर की बात कर रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। सबसे पहला है को इनिशियल। मैंने बताया था को इनिशियल ऐसा वेक्टर होता है जो एक ही, जिसका ओरिजिन हो, ये सारे को इनिशियल हो गए। अब आप यहां से देखिए कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, वो यहां से शुरू होकर इधर जा रहा है, ठीक है, और ये बी वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में इधर जा रहा है। अच्छा ये तो हो गया, मतलब ए और डी तो सिंपल सी बात है, हमारे जो ए वेक्टर और डी वेक्टर है ये कंफर्म हमारे पास क्या है? को इनिशियल है। दूसरा देखो, इसको देखो, सी को, ये सी इधर आ रहा है और ये डी इधर आ रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो हमारा ये तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए वेक्टर और डी वेक्टर। नंबर दो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, इक्वल वेक्टर्स, यानी कि जिनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दूरी भी बराबर होनी चाहिए। मतलब देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इसकी डायरेक्शन ताकि दिखे आपको। अब देखिए, देखिए एक ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वाला भी सेम डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर क्या होता है? सेम ही होता है सारी साइड, तो इक्वल वेक्टर्स में मैं क्या करूंगा? डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल आएंगे। तीसरा,
कोलीनियर बट नॉट इक्वल, तो भाई ए और डी तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये तो इक्वल है, तो कोलीनियर और इसमें कौन सा आएगा, ए वेक्टर आएगा और सी वेक्टर आएगा, सिंपल सी बात है, कोई डाउट रखना ही नहीं है इसमें तो। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 के में पहला क्या बोल रहा है, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर कोलीनियर, बिल्कुल देखो ए वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमें क्या दे रखा है दूसरी डायरेक्शन में सेम ही वेक्टर, तो भाई शिफ्ट तो कर ही सकते हो ना, बिल्कुल सही बात है, ट्रू कंडीशन है पहली। दूसरी बात देख लेते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैंने बोला था कभी भी जो दो कोलिनियर वेक्टर होते हैं जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब दूसरा कंडीशन क्या आ गया, फॉल्स आ गया। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, फिर से सेम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सेम नहीं हो सकता ना, डिफरेंट भी हो सकता है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, भाई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होते हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम वो इक्वल हो जाते हैं, भाई इक्वल होने के लिए तो डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 थी, आई होप आराम से समझ में आई होगी सभी के, शेयर सभी बच्चों से कर देना जो भी क्लास 12th में है इस बार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।